Hey guys, welcome or welcome back to my channel Pooja's Ada. Hope you all are doing great. So आज का जो vlog है वो मैंने start किया है क्योंकि बहुत time से plan करने के बाद finally आज हम लोग का plan बना है. And plan तो like पहले भी बन रहा था, finally आज हम जा रहे हैं मृत्युंजय मंदिर. And last मैंने जब मैं एक शादी में गई थी तब मैंने उस vlog में share किया था कि हम जल्दी निकलने वाले हैं, हम पहले मंदिर जाएंगे एंड देन फिर शादी में जाएंगे. बट हमें निकलते बहुत लेट हो गया था तो वो प्लान फुलफ़िल नहीं हुआ था. सो आज हम कल आए हैं यहाँ, मतलब मेरे इन लॉज प्लेस. सो यहाँ पे आज हम पूरी फैमिली, ऑलमोस्ट जितने भी हम, मतलब मेरी जेठानियाँ, मेरी मम्मी, इवान, माँ और बच्चा पार्टी, हम सब आज जा रहे हैं मृत्युंजय मंदिर. एंड फिर शाम को हमें जाना है एंगेजमेंट में. सो हम पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर से फिर घर आएंगे. हमने लंच वन सारा सब कुछ बना लिया है. सो घर आके हम लंच करेंगे एंड देन फिर जाएंगे एंगेजमेंट के लिए. सो फिलहाल हम सब अब निकल रहे हैं, अभी बज रहे हैं 12. बट यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गुवाहाटी से थोड़ा टाइम लगता है बट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. सो फाइनली अब हम निकल रहे हैं. एंड या सो चलिए मेरे साथ, आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ भगवान भोलेनाथ की. तो बने रहिएगा व्लॉग में, काफ़ी अच्छा सा व्लॉग आएगा. एंड बाकी उस मंदिर की स्पेशलिटी क्या है, किस लिए वो मंदिर जाना जाता है, क्या है, सब कुछ मैं आपसे आगे व्लॉग में शेयर करूँगी. सो या चलिए चलते हैं. मंदिर के लिए निकल चुके हैं एंड हम करीब 10-12 लोग हैं. एंड ये रास्ता बड़े ही सुंदर, और ये जो आप गेट देख रहे हैं बस यहाँ से एंटर करके जो मंदिर का रास्ता है स्टार्ट होता है. तो अब हम ऑलमोस्ट मंदिर पहुँचने वाले हैं. एंड ये बीच में ना कोई गांव भी पड़ता है जिसे क्रॉस करके जाना होता है, और इतना खूबसूरत उसका रास्ता है. दोनों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली, पेड़ पौधे, मतलब बहुत ही सुंदर था. और जो गाँव भी था ना वो इतना नीट एंड क्लीन था, घर वर भी बहुत सुंदर थे. एंड ये हम फाइनली मंदिर पहुँच चुके हैं. एंड यहाँ पे बिल्कुल भी पार्किंग का लाइक इशू नहीं है ये, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, इसलिए उन्होंने काफ़ी एरिया दे रखा है पार्किंग के लिए. हाय राम, ये तो इतना लंबा लाइन लगा हुआ है अंदर जाने के लिए. वो तो सब खड़े हैं, जो दे सर ढक के, वो दे लाइन ही तो लगाए. सो इस मंदिर का नाम है महामृत्युंजय मंदिर, जो कि असम में नौगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. सो आप कभी भी अगर असम आए तो इस मंदिर को घूमने के लिए, यहाँ दर्शन करने ज़रूर आए. ये है यहाँ का सारा, जो भी स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं, जो आप पूजा सामग्री, मतलब अंदर ले जाने के लिए फूल, प्रसाद, दिए, अगरबत्ती आप यहाँ से ले सकते हैं. एंड बस अभी हम लोग सब वहीं जा रहे हैं, पहले पूजा की सामग्री लेंगे एंड देन अंदर जाएंगे. एक्चुअली हम जब पहुँचे तो मंदिर का द्वार बंद था, क्योंकि 12 बजे के समय पूजा नहीं होती, तो इसलिए हम कुछ 12:30 बजे पहुँचे थे, 12:15 बजे पहुँचे थे, तो मंदिर का द्वार बंद था. एंड तब तक हम यहाँ पे दिया जला लिए थे, क्योंकि अंदर में मंदिर में अगरबत्ती या दिया जलाना अलाउ नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल जगह अलॉट किया हुआ है जहाँ पे आप दिया और अपनी अगरबत्ती जला सकते हैं. तो यहाँ पर मैं, मम्मी, माँ, मेरी जेठानियाँ और मेरी मामी सास, हम सब मतलब यहाँ पर दिया वगैरह जला रहे थे जब तक द्वार बंद था, क्योंकि 12 बजे पूजा नहीं होती है. हम 12:15 बजे पहुँचे थे, तो मॉर्निंग में पूजा होता है एंड 12 बजे के समय शायद आधे घंटे के लिए द्वार बंद कर देते हैं. तो उस टाइम पे हमें 10-15 मिनट हमारे पास टाइम था, तो हमने तब तक अपना जो दिया अगरबत्ती वगैरह जलाना है वो कर लिया. और फिर पूजा पाठ करते मंदिर का द्वार भी खुल गया था, तो अब हम जा रहे हैं अंदर. इतने दिन आसाम का क्लाइमेट बहुत अच्छा था, बट
इस दिन इतना ज़्यादा गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी, तो यहाँ पे ना ऐसे उन्होंने कारपेट बिछा के रखा हुआ था, तो हम उस पे ही जा रहे थे क्योंकि नीचे मार्बल लगा हुआ था फ्लोरिंग पे, तो उस पे पैर रखने से मतलब पैर इतना ज़्यादा जल रहा था, तो हम कारपेट पे करके जा रहे थे। एंड क्योंकि जस्ट अभी ही मंदिर का द्वार खुला है, तो जो लोग लाइन में खड़े थे, जो पहले से आए और जो दर्शन नहीं कर पाए थे, वो सब खड़े थे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था शुरुआत में, और टर्न वाइज हाफ ऑफ करके लोगों को अंदर भेज रहे थे। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इवान ने भी तंग करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि भीड़ भी था, गर्मी भी था, तो उसे इरिटेशन हो रहा था। फिर यहाँ पे बारी बारी से भेज रहे थे, तो मम्मी आगे चली गई थी। एंड ये वाला फिर उसके बाद हम गए अंदर। अंदर से मैं आपको क्या बताऊँ, मंदिर इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मंदिर का नाम है महामृत्युंजय मंदिर, और जो कि फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आसाम में नौगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड ये मंदिर की खासियत ये है कि इसका जो बाहर का जो मंदिर का शेप है ना, वो एक शिवलिंग की तरह है, जो कि इसलिए काफ़ी ज़्यादा इस अट्रैक्शन बना हुआ है। एंड ये जो शिवलिंग है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिंगा है, जिसका फीट 126 फीट इसकी हाइट है, उतना ऊंचा ये जो है शिवलिंग। एंड अंदर से भी मंदिर बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर पूरी पेंटिंग की हुई है, शिव जी की पेंटिंग है, आप सीलिंग में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की हुई है। वॉल्स में इतने खूबसूरत पेंटिंग किए हुए हैं, एंड बीच बीच में ऐसे पिलर दिया हुआ है जिसमें वर्क किया है, मतलब ओवरऑल मंदिर देखने लायक है। आप लोग जब भी आसाम आए, ज़रूर ज़रूर से इस मंदिर के दर्शन, मृत्युंजय मंदिर के दर्शन करें। एंड यहाँ पर आप बीच में ना पेंटिंग के बीच में वाइट ऐसा देख रहे हैं, जो ये ना लास्ट ईयर बहुत भयानक वाला यहाँ पे भूकंप आया था आसाम में, बहुत भयानक। सो ये जो आप दाग देख रही है, उस टाइम पे ही मंदिर शायद अंडर कंस्ट्रक्शन था, रेडी होने को था, और तब उसमें क्रैक आया था, तो ये उसका ऐसा वाइट दाग है। बट ओवरऑल जो मंदिर की ब्यूटी है, सच में वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, इतना ज़्यादा खूबसूरत है मंदिर, एंड शिव जी का मंदिर है। सो आप लोग जब भी आए मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर के दर्शन ज़रूर से करें। मंदिर से घर के लिए हम निकले दर्शन वगैरह करके, तो बीच में हमने एक हॉल्ट लिया था जहाँ पे हमने सब चाय नाश्ता किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और घर में क्योंकि हमने लंच बना के ही आए थे, तो इसलिए हमने मतलब लंच नहीं किया, सिर्फ चाय नाश्ता किया। एंड वैसे तो लेट हो गया था, घर पहुँचते हमको 4 बज गए थे। दे बेटा मम्मा लिए, खाएगा ना? उसमें मामी आ गए। सो गाइस, फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और अभी बज रहा है 11, बज क्या रहे 11 ऑलरेडी बज चुके हैं, और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है अभी, बस सिर्फ नींद आ रही है। एंड मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो आज का कुछ दिन मतलब घूमने फिरने में ही निकल गया, दिन भर वैसे ही निकला है। हम गए थे कुछ 12 बजे नाश्ता वाश्ता करके, लंच बना के हम 12 बजे के करीब गए थे मृत्युंजय मंदिर। सो वहाँ से हमें दर्शन करके निकलते 3 बज गया था, देन हम रास्ते में एक जगह रुके, ऐसे रिफ़्रेशमेंट लिया थोड़ा सा, एंड फिर 4:30 बजे तक हम घर आए। घर आके हमने लंच किया, एंड फिर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाना था, तो हम उनको मिलने के लिए गए, तो वो मिले नहीं, मतलब हम गए रास्ते से कॉल किए तो वो थे नहीं, तो उसके बाद फिर हम घर आए।
एंड उसके बाद तबीवान सो गया था एंड मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा पार्ने प्ले रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, वो भी सो गए थे. तब तक मैंने रूम वगैरह सब समेटा क्योंकि कल हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है. एंड उसके बाद फिर हम रेडी होके जहाँ पे इंगेजमेंट है वहाँ के लिए निकले, बट हमें लेट हो गया जाने में. तो हम जब तक वहाँ पे पहुँचे तो इंगेजमेंट तो ख़त्म हो गया था, बट ठीक है क्योंकि मैं शादी में नहीं जा पाऊँगी तो इसलिए मिलना था, तो वो चीज़ हो गया. एंड गिफ्ट वगैरह दे के हम 9:30 बजे तक कुछ आए. और हाँ मतलब उनके यहाँ जाने के लिए जब हम निकले तो उसके पहले जो मेरी बड़ी सास है उनके घर पे हम गए मिलने के लिए, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी आए थे तो नहीं जा पाए थे, तो उन्हें बाबू को देखना था. तो हम उनके यहाँ गए, उनके यहाँ मिल के फिर हम वहाँ पे गए, मतलब दीदी के यहाँ गए. फिर वहाँ से आते हमें 9:30 पौने 10 कुछ बज गया. तो फिर उसके बाद आने के बाद हमने बाकी सबको ड्रॉप किया एंड फिर मेरे फ्रेंड मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से मिलने के लिए गए. देन वहाँ से हम आए मिल विल कर, अभी थोड़ा देर हुआ है हम आए हैं एंड बस. सो नीचे थोड़ा सा कुछ ऐसे ही कुछ बना था तो वो थोड़ा बहुत खा के बात बात करके अभी मैं आई हूँ रूम में. बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इवान भी आज बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि गोद में वैसी नींद नहीं होती जैसे ना बेड पे आराम से वो फैल के सोता है, वैसे गोद पे होती नहीं है. तो उसने भी तंग किया है, यार बच्चा है तंग तो करेगा, मतलब काफ़ी रोया है और पूरा दिन ऐसे ही हुआ है. हमें रात में ही निकलना था गुवाहाटी के लिए बट काफ़ी लेट हो गया था इसलिए हम नहीं निकले. तो अब अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे क्योंकि कल फिर मेरी ट्रेन है जमशेदपुर के लिए, तो मेरी पैकिंग भी पूरी नहीं हुई है. एंड फिर जाके क्योंकि मम्मी को अभी भी ज़्यादा गर्म में आग के सामने, धुआं के सामने और सर भी नहीं झुकाना है और वही आग वाग के सामने मतलब कुकिंग वगैरह भी करना नहीं है. तो हम कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे बिकॉज जाके मुझे कल पैकिंग कम्प्लीट करनी है, दैन फिर टिफ़िन वगैरह रेडी करना है, ये सारा सब कुछ करना है और टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि इवान तंग करेगा तो उसके पीछे भी टाइम जाएगा. सो ये सब करते और फिर 4 बजे हमें निकलना होगा बिकॉज 6 बजे शाम की हमारी ट्रेन तो दूर लाइक कामाख्या से है, तो हमें 4:30 तक तो निकलना ही होगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है. तो बस अभी यही है, अभी जस्ट मैं सारा जो भी मेकअप वगैरह है निकालूंगी, फेस वॉश करूँगी, ये सारा सब कुछ करके थोड़ा सा जो साड़ी वाड़ी पहनी थी वो सारा चेंज किया है तो उसको समेटना है. एंड बाकी मैं मेरे फ्रेंड मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से मिलने गए थे तो मम्मी बाकी जो भी मम्मी को दिखा सब कुछ वो मम्मी समेट दी है. तो बस इतना ही है, आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना कि बस अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. तो ये वाला जो ब्लॉग है वो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. और मृत्युंजय मंदिर जहाँ हम गए थे बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मंदिर और अंदर से जो पेंटिंग्स वगैरह किए हुए हैं ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कितना अच्छा है. सो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मृत्युंजय मंदिर के दर्शन. सो या और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं आपको मिल पाए. एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा. मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, ID में मैंशन कर दूँगी. सो अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो ऑल योर लव एंड सपोर्ट. बाय, गुड नाइट.